ये डेट एंड का सुपर वेव का एसी है, इसका वाल हम ख़त्म करके इसको डायरेक्ट करेंगे आज। तो ये इसकी जो सी पाइपलाइन है, ये 300 की जो जा रही है वॉल के अंदर, ये अपना डिस्चार्ज की है। और इससे जो आउट हो रही है डिस्चार्ज वाली, ये वाली, वो ये आ रही है, ये वाली ये आ रही है, ये सीधी हमारी कंडेंसर में जा रही है। ये देखें ना, ये पाइप नीचे को जाके ये कंडेंसर में जा रहा है हमारा। तो इसके अलावा सेक्शन का है, सेक्शन की हमारी जो सी कंप्रेसर में से ये दरमियान वाली आ रही है, ये वाली, ये दरमियान वाली, और ये जो सी बाहर 400 के वाल के पास आ रही है नीचे, ये इसके अंदर से ये दोनों आ रही हैं। हम डिस्चार्ज वाली इस लाइन को और ये कंडेंसर वाली लाइन को आपस में मैच कर देंगे, इन दोनों को ना आपस में मैच कर देंगे। और ये दोनों कंप्रेसर की सेक्शन और ये चार सूत्र के वाल वाली पाइपलाइन, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे, बाईपास कर देंगे इनका, तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, जिससे हमारा एसी अच्छे तरीके से काम करेगा। हवाई यहाँ से कैपरी से ये लीक हुआ है, तो अगर इसको हम यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे या इसको टांका वगैरह लगाएंगे, ये तो इसके अंदर जैन्स होते हैं प्लास्किट वाले, वो पिघल जाते हैं, ये सोल्ड नहीं होता, ये चेंज होता है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते इसको लगवाने की, इसकी कीमत 2500-3000 के करीब करीब है, जो अच्छी क्वालिटी का है। कई लोग होते हैं अफोर्ड नहीं करते, वो कहते हैं इसको आप ना कम पैसों में हमारा काम हो जाए, तो उनके लिए इसको डायरेक्ट करने का तरीका आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ, इसको डायरेक्ट कैसे करना है। डिस्चार्ज है कंप्रेसर की, ये कंप्रेसर के अंदर से आ रही है, और ये इसकी कंडेंसर की डिस्चार्ज है, ये कंडेंसर पाइप जो इसका लगे हुए हैं ना, ये कंडेंसर की डिस्चार्ज है। हम इसको आपस में मैच कर देंगे, कंप्रेसर की डिस्चार्ज को और कंडेंसर की डिस्चार्ज को। उसके बाद हमारी बचती है सेक्शन, ये चार सूत्र का वाल, सेक्शन और कंप्रेसर की सेक्शन, ठीक है, इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। ये हमने यू डाल दिया, ये हम यू डाल के इसको हम डायरेक्ट कर देंगे, और ये वाल का काम ख़त्म हो जाएगा बीच में से, फिर ये डायरेक्ट चलेगा और कूलिंग करेगा। जी व्यूज, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अपने मेज़बान नई महमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।